आज हम आपको बताएंगे मैडम कि हार्ट क्या होता है। राइट, हार्ट हमारा जो होता है चार चैम्बर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर। तो जैसा कि हमारे पास आसान सी ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि जो हार्ट होता है, हार्ट के बीच में कौन सा चैम्बर प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बिटवीन विच वॉल विच प्रेजेंट। तो आर आर टी आई मीन्स क्या होता है? आर से हो जाएगा आपका राइट एट्रियम, इस आर से क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल, इस टी से क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। राइट, देन आई से हो जाएगा आपका इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इससे क्या क्लियर हो सकता है? इससे बेटा आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो राइट एट्रियम होती है, राइट वेंट्रिकल होती है, उसके बाद में कौन कौन सा वाल्व बीच में प्रेजेंट होता है और विच ब्लड इज पास आउट। तो इस ट्रिक से बहुत इजी आप लोग लर्न कर सकते हैं बेटा। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, विच वाल्व प्रेजेंट? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट। विच ब्लड इज पास आउट? इम्प्योर ब्लड इज पास आउट। राइट, तो यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं। देन दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि एल एल बी पी एम, इस ट्रिक से आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। एल एल बी पी एम, एल एल बी पी एम मतलब क्या हुआ? एल से हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम, इस एल से हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इस बी से हो जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल, इस पी से हो जाएगा आपका प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। देन आपका एम से हो जाएगा माइट्रियल वॉल्व, इस एम से क्या हो जाएगा बेटा? माइट्रियल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम होता है माइट्रियल वॉल्व के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है विच स्टेटमेंट करेक्ट इन केस ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बिटवीन विच वॉल्व प्रेजेंट। तो आप इससे आसानी से बता सकते हैं क्या प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बिटवीन बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट एंड विच ब्लड इज पास आउट, तो क्या बताएंगे? प्योर ब्लड पास आउट। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यानी इससे आप लोग ये क्लियर कर पाओगे कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या हुआ? बाइकस्पिड। और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। क्लियर, इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है आपका सुपीरियर वेना केवा दिया हुआ है, ये इन्फीरियर वेना केवा दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे आयोटिक वॉल्व दिए हुए हैं, ये पल्मोनरी आपकी आर्टरी दी हुई है। जो हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी दी हुई है, ये पल्मोनरी वेन दी हुई है। हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है क्या करती है? हमारे इस ब्लड को लेकर के आती है। राइट, और ये हमारा एरोटा है, जो हम इसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं। राइट, तो इससे आप इसको थोड़ा लर्न रखिएगा, इससे आपके जो ब्लड से जो भी क्वेश्चन बनेगा इससे आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, तो आज की क्लास के लिए इतना, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।